फर्स्ट टाइम मैंने स्टारबक्स का मेन्यू खोल के देखा, मेरे को रियलाइज हुआ कि आपको उनका मेन्यू उतना ही समझ में आता है जितना उनको आपका नाम समझ में आता है। जैसे आप जाओगे दोस्तों, व्हाट्स योर नेम? अपूर्व। सॉरी अपूर्व, सॉरी APPURV। आधे घंटे बाद ऑर्डर आएगा, ऑर्डर फॉर मिस्टर कपूर। मिस्टर कपूर, कपूर, कपूर कहाँ गया? अभी ना मैं स्टारबक्स गया। कितने लोग गए यहाँ पे स्टारबक्स? सभी गए। आप टाटा की भतीजी हो आप। तो मैं फर्स्ट टाइम स्टारबक्स गया ना, तो मैंने रियलाइज किया कि स्टारबक्स में ना दुनिया का सबसे हिपस्टर क्राउड आता है। हिपस्टर जिसकी टेबल पे होता है मैक। स्टारबक्स का रूल है, अगर आपके पास मैक नहीं है ना, वो आपको घुसने नहीं देते। सही बता दो, डेल और HP वालों को तो टेक अवे कर देते हैं, बाहर बेंचो बाहर। तोशिबा वालों को तो जेब से 8 रुपए देके बोलते भाजा के चाय पी के अंदर नहीं आएगा। तो मुझे पता नहीं था स्टारबक्स इसलिए फेमस है। तो मेरा एक दोस्त था, मैंने उससे पूछा स्टारबक्स इसलिए फेमस है, तो उसने बताया स्टारबक्स फ्री वाईफाई के लिए फेमस है। तो मैं चले गया, मैंने कहा भैया वाईफाई। कहता इट्स नॉट वर्किंग। मैं कोई नहीं, मैं अगले दिन गया, मैंने कहा भैया वाईफाई। कहता इट्स नॉट वर्किंग। मैं कोई नहीं, मैं तीसरे दिन गया, मैंने कहा भैया वाईफाई। कहता इट्स नॉट वर्किंग। मैं इधर भूतनी के जिस चीज के लिए तू फेमस हो रहा है तू उसी पे फोकस नहीं कर रहा। मैं कॉफी तो कैफे कॉफी डे भी बना लेता, उसमें क्या रॉकेट साइंस है। तो भाई ने ईगो पे ले लिया, उसने वाईफाई एक्टिवेट करा दिया। फिर मैं काम कर रहा था तो 3 घंटे में मैक डिस्चार्ज हो गया। मैंने कहा भैया पावर पॉइंट। अब पावर पॉइंट हमेशा कोने में होता है ऐसे, तो मैंने कहा ऐसे कौन नीचे कोने कोने में जाएगा, चीप लगता है। तो मैं घर चले गया। तो अगले दिन मैं सुबह 9 बजे आया, मैं एक्सटेंशन बोर्ड ले आया। डेली के टंटे नहीं चाहिए ना ये, मेरे को टेप वेप लगा के आराम से काम करते थे हम। तो वहां पे ना एक्सटेंशन बोर्ड में क्या होता है, 4 पोर्ट होते हैं। तो 1 पोर्ट मैं यूज करता था, 3 पोर्ट बचे हुए थे। तो वहां पे 3 फिरंग बैठे हुए थे। मैंने 100 रुपए घंटे के हिसाब से तीनों को किराए पे दे दिया। तो मैं 3 घंटे बैठता था, मेरे 900 रुपए बन जाते थे। महीने के 27,000 बना रहा था मैं। वाइल आई वाज वर्किंग, दैट वाज माय फर्स्ट स्टार्टअप, फुल्ली प्रॉफिटेबल, जीरो लॉस। Once a baniya, always a baniya। फिर एक बार मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया, उसका बर्थडे था। तो अभी तक कभी मैंने स्टारबक्स का मेन्यू खोल के नहीं देखा था। और फर्स्ट टाइम मैंने स्टारबक्स का मेन्यू खोल के देखा, मेरे को रियलाइज हुआ कि आपको उनका मेन्यू उतना ही समझ में आता है जितना उनको आपका नाम समझ में आता है। जैसे आप जाओगे दोस्तों, व्हाट्स योर नेम? अपूर्व। सॉरी अपूर्व, सॉरी APPURV। आधे घंटे बाद ऑर्डर आएगा, ऑर्डर फॉर मिस्टर कपूर। मिस्टर कपूर, कपूर, कपूर कहाँ गया? मैं भूतनी का डिस्लेक्सिया है क्या तेरे को? फिर यहाँ पे ईशान अवस्थी लिखा होता, मैंने कहा ओ तारे जमीन। फिर मैं लाइन में लग गया, स्टारबक्स की लाइन होती है ना वो। तो मैंने रियलाइज किया कि लाइन में लगोगे तो आपकी नेशनल लैंग्वेज इंग्लिश, आप हिंदी में बात नहीं कर सकते भाई साहब। और 2 मिनट तक ऑर्डर ना करो ना उनसे, आई कांटेक्ट मिला हो तो वो वही आपको बोल देते हैं ऊपर से कि सर कहाँ गलत लाइन में लग गए हो, बाहर जाके छबील पी के आओ ना, कहाँ अभी ये सब कॉफी वॉफी के चक्करों में आ गए हो। तो मैंने, भाई बंदी का बर्थडे था, तो मैंने 450 का केक ऑर्डर कर दिया। मैंने कहा इतना कमाया भैंस, थोड़ा गवा देते हैं, ठीक है। तो आधे घंटे बाद ऑर्डर फॉर मिस्टर कपूर करके आया, तो वो केक का एक पीस लेके आया। मैं परेशान, मैंने कहा मैंने तो पूरा केक ऑर्डर किया था। मैंने कहा ये क्या? कहता है वही सर जो आपने ऑर्डर किया था। मैं ध्यान से देख, मैंने तो केक ऑर्डर किया था, तुझे नहीं लग रहा है पेस्ट्री है? कहता 450 में इतने आता है। मैं भूतनी के 450 में 1.5 किलो पाइनएप्पल केक आ जाता है। उसके बाद से मैंने छोड़ ही दिया बंदी को ना, लॉस हो रहा था यार, दूर ये बंदा। गुप्ता जी